इंडियन गाइस, तो आप सभी का स्वागत है आज के नए ब्लॉग पर। याद करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। और बाकी बाहर का मौसम भाई बढ़िया, बाकी ऐसा करते खाते खाना और चलते हैं फिर जी वाली। तो खाते हैं खाना और फिर चलते सीधा काम पर। तो आज जो हमारा एल्यूमिनियम का काम लगा तो उसको करते हैं फाइनल जाकर, और बाकी देखते हैं ग्रिल वाला काम कितना हो पाता है, बाकी शाम तक देखते हैं क्या बनता है। तो खाते हैं खाना, पता है सब्जी नहीं खाते हैं घर पे घी की, तो बन गया ये कोफ्ता। अब ये खा भी सकते हैं, अब जो स्वाद लगता है, लेकिन घीया नरम घी हो ना, बिल्कुल फ्रेश वाला, फिर अच्छा लगता है खाने के लिए, देसी वाला। बाकी पक्का हो तो बोरी बिल्कुल स्वाद लगता है, बढ़िया। करप्सी तो निकलते हैं सीधे काम पर, और बाकी बढ़िया मौसम, एकदम बढ़िया मौसम बाहर। और सामने ऊपर देखो पहाड़ों पर कितनी तगड़ी वाली बर्फ पड़ी हुई है ऊपर। तो लो जी फाइनली पहुंच गए हम साइट पर, जहां पर तो लो भाई पहुंच गए यहाँ पर। और अब देखते हैं बाकी जो कल काम बचा हुआ था लास्ट वाला, उससे आगे काम करते हैं। तो मैं थोड़ा लेट आ गया हूँ थोड़ा सा, बाकी चलो काम तो चल पड़ा, शुरू हो गया, कर दिया उन्होंने पहले ही। तो चलो करते हैं आज का काम शुरू। तो ये वाला तो काम हमारा फाइनल था, तो चलो देखते हैं आज का काम क्या बचा हुआ है। वो शिट यार सिलिकॉन लेके नहीं आया, सिलिकॉन लेते तो जो शीशे वाला काम भी कर लेते, तो कोई बात नहीं, इसको भी ले आएंगे। तो चलो ऐसा करते हैं कि जाम रखे थे कल वाले पल्ले, ये वाले, तो ये वाले हमारे पल्ले बचे हुए लगाने के लिए। बाकी फिक्स ग्लास आएगा यहाँ पर, कचरा डाला हुआ है। तो अब हमने जब ये वाली छत डाली थी ना ऊपर वाली, तब हमने रखा था यहाँ पर ये सीढ़ी, और इसके लिए रास्ता रखा था यहाँ से, लगाकर सीधा अंदर। अंदर टैंकी रखी हुई है, वहाँ से काम कर सकता प्लम्बर अपना। तो चलो अब ऐसा करते हैं कि बाहर हमने खिड़की पे लगाना है स्क्रू, तो खिड़की मेरे को पकड़नी पड़ेगी ज़रा, तो उसको पकड़ते हैं पहले। तो अब यहाँ से आपको बताता हूँ मैं कि अपना जो जहाँ के दरवाजे का काम है वो कंप्लीट है। अब जितना भी हार्डवेयर लग के इसको बिल्कुल कंप्लीट है, बाहर से शीशे के पल्ले वो भी लग के तैयार है। अब जैसे जहाँ पर देखो तो ये वाला आ गया इसका हार्डवेयर, ये भी कम्प्लीट है, और बाहर का पल्ला इसमें स्टेव का भी ये वाली। अब सेंटर में एक लगाएंगे हम इसको सिलिकॉन के साथ, फिक्स ग्लास आएगा सेंटर में, उसको लगाते हैं यहाँ पर। और जो बाहर वाला पल्ला कंप्लीट है, इसका भी हार्डवेयर आज लगा दिया, बिल्कुल कंप्लीट है ये वाला भी। तो ये इसका सेंटर में एक टावर बोल्ट आ गया, और बाकी इसका भी टावर बोल्ट आ गया, जो भी लग के फाइनल है। और अब यहाँ का भी पल्ला कंप्लीट है टोटल सारे, यहाँ से देखो। व्यू भाई एक नंबर का रहा है, यहाँ सामने से बड़ी लग रही खिड़की वाली। और इसमें जे वाले कलर लगाया हमने, जो लगाया हमने आइवरी में सारा यूज़ किया। और इसमें जो मैश लगी हुई है सारी, जो लगी हुई है एसएस की स्टील मैश है ये वाली। और बीच में जो फिक्स ग्लास इसमें आ जाएगा और बड़ी हो जाएगा। अब हमारा एक बचा हुआ यहाँ पर पंगा, एक तो हमने यहाँ पर लगाना है इस दरवाजे में, यहाँ पर लगानी एक स्टेप लगानी नीचे, और ये पल्ला बड़ी फिक्स हो गया। और एक यहाँ पर टावर बोल्ट हमारी लगी हुई है यहाँ पर, एक लगानी है ऊपर यहाँ पर, तो उसका करते हैं। और बाकी ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट अब। और ये आगे इसके पल्ले बाहर से, जिसका लगी हुई है स्क्रू कट ऑफ बोल्ट। जैसा कि आपको मैंने कल बताया था कि ये वाला मेन डोर तो आ गया आपका मैश में, और सिक्योरिटी के पर्पस के हिसाब से ये बिल्कुल सॉलिड दरवाजा हमने लगा दिया ये वाला। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। थोड़ा सा काम बचा उसको करते हैं फाइनल। और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब इनका बाकी काम हो गया, लेकिन अब लगाने इनके कर्टन, तो ये 2-3 कर्टन लगेंगे तो वो भी साथ में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी चलो लगाते हैं कर्टन। तो ये आगे कर्टन पाइप, तो ये इस तरफ से लगाएंगे। इसके आगे स्टील के कलम आ गए, एक इस तरफ आ गया। बाकी जो सामने वाले 2 खिड़कियाँ सिर्फ इसमें लगाएंगे, बाकी कोई नहीं। तो मुझे एक बार जाना पड़ा ठाकुर द्वारा से, तो वहाँ से लेके आना पड़ी मेरे को सिलिकॉन ट्यूब। तो ये रही सिलिकॉन ट्यूब, आ गई ये वाले क्लेयर में। और बाकी यहाँ ये आ गया ग्लास। तो ऐसा करते चलते हैं बाहर और उसको लगाएंगे फिक्स ग्लास बाहर से। तो चलो चलते हैं। तो ये लगा दी इसमें क्लियर सिलिकॉन। क्लियर देखने में अच्छी लगती है, लेकिन इसमें आपको वो वाइट मिल जाएगी, ब्लैक मिल जाएगी। सिलिकॉन आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, बाकी क्लियर में ज़्यादा बढ़िया लगती है देखने में। अब जो बिल्कुल सॉलिड है। तो लो जी, अब हमारा जो ग्लास है अंदर से तो आपको बताता हूँ मैं। अब बाहर से तो बिल्कुल फाइनल कर दिया इसको, अंदर से फाइनल अब बिल्कुल बढ़िया हो गया है। बाकी इसमें आप क्ले पुट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उससे बेहतर भाई एक सिलिकॉन ट्यूब है। 5-10 मिनट में आपका शीशा लग के तैयार हो जाता है बढ़िया से। तो ये हमारी खिड़की होगी बिल्कुल फाइनल। तो चलो अब देखते हैं अगली खिड़की। तो ये वाली तुम्हारी होगी फाइनल। बाकी चलो चलते हैं आगे। तो जब सिलिकॉन नहीं थी तब हमने मैक्सिमम सारा काम क्ले पुट्टी में करते थे, वो भी बढ़िया था अपने टाइम के हिसाब से। लेकिन आज के टाइम के हिसाब से सिलिकॉन जो सबसे बेटर है। और अब करते हैं ये वाला सेंटर का ग्लास का फिक्स। तो ये रखे इसकी सिलिकॉन। और अब चलते हैं ग्लास लेकर बाहर। तो और एक यहाँ पर क्या बचा मेरे को लेके जाने के लिए, ये रही सिलिकॉन एक पकड़ लेते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि आधी सिलिकॉन तो यहाँ पर लग गई है, तो यहाँ पर भी लगेगी। तो चलो चलते हैं फिर अब एक बार बाहर से इसको करते हैं बाकी शीशा इसका फिक्स। अब यार पेंटर वगैरह ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन जो कॉर्नर में सीमेंट वगैरह लगा हुआ था ना, उन्होंने बिल्कुल साफ़ नहीं किया यहाँ कॉर्नर में। ये वाला इसको हमें गुनिया के साथ जब ब्रिक पत्ती के साथ इसको साफ़ करके बढ़िया से स्मूथ करना पड़ेगा, ताकि हमारा शीशा जो आगे तक चला जाए बढ़िया से। तो अब लगाते हैं इस तरह से, इसमें लगाएंगे सिलिकॉन। तो अपने यहाँ से देख ली। अब मैं इसको रखता हूँ फ़ोन को और उसको फटाफट लगा के मिलता हूँ आपसे। तो लो जी, फाइनली एक और हमारी खिड़की बिल्कुल तैयार है। ये वाली भी, इसका भी पैनल लग गया है ये वाला। अब यहाँ सामने से आप देखो तो इसकी सिलिकॉन चारों तरफ से इसको भरी गई है, अंदर से भी और बाहर से भी। अब इसमें लीकेज बिल्कुल नहीं होगी। तो अब ऐसा करते हैं कि बाकी जो किसका काम बचाना खिड़कियों वगैरह का, वो देखते हैं आकर और चलते पहले खाना खाने। तो लो जी, हमारे यहाँ फ्रंट पे ये वाली दरवाज़ा, ये वाला तो बिल्कुल फाइनल है ये वाला। तो अब इसका लॉक भी कंप्लीट है, टावर बोल्ट लगभग ये वाला सारा कंप्लीट है फ्रंट से। बाकी अंदर थोड़ा बहुत काम बचा, उसको वाकई करते हैं। तो चलते हैं पहले खाना खाने के लिए। तो चलो चलते हैं, बाकी मेले में जाना ध्यान में। तो देखते हैं कैसा प्लान बनता है, वो घर जाकर लगेगा पता कि मेले में जाते हैं या क्या करते हैं। तो ये रहा सामने से व्यू, खिड़कियाँ बड़ी लग रही है और छत भी बड़ी लग रही है भाई। कॉम्बिनेशन सारा इसका बड़ी होगा। यहाँ से देखो आप, आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। हर बार शीशा ख़राब लगता है वाला, मुझे लगता है शीशा करवाना पड़ेगा चेंज कुछ। जितना साफ कर लो उसके बाद फिर से ख़राब हो जाता है वाला, कितना भी साफ कर लो। कोई फ़ायदा नहीं इसका भाई, कोई फ़ायदा नहीं इसका वाला। तो प्लानिंग यही हुई घर आकर कि पहले खाना खाकर एक बार दैन मेले में चक्कर लगाए आते हैं। तो मेले का ब्लॉग तो मैं पहले डाल दूंगा और ये वाला ब्लॉग आएगा बाद में। तो जो रेगुलर देखते हैं उन्होंने तो देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया है। जरा सब्र करो। तो अब हमारा यहाँ का जो काम था सारा कम्प्लीट है। अब इनके ग्लास, हार्डवेयर, दरवाजे, जितना काम था सारा काम कम्प्लीट करने का। यहाँ से पर तो ये वाला दरवाजा आ गया, यहाँ से आ गया ये वाला पूरी तरह से कंप्लीट। अभी यहाँ फैन की करा दी है, यहाँ दरवाजे वगैरह के बिल्कुल। तो यहाँ पर काम हो गया फाइनल, अब चलते हैं। तो चलो तो ये आगे पहले चार्जर, चलते हैं सीधा दुकान पर। आपसे सीधा दुकान पर तो फिर यहाँ का काम बिल्कुल कंप्लीट है, फाइनल है। घर पर और पीते चाय और साथ में आगे भाई पकौड़े। इस तरह से ये मेरा फेवरेट ट्रिक का भाई, जलेबी डाल के दूध में। मुझे तो भाई ये वाली चीज पसंद है। इस तरह से अब थोड़ी देर इसको रख देंगे ऐसे ही, फिर इसको करते हैं ट्राई एक बार। तो इसके लिए लेकर आना पड़ेगा मेरे को चम्मच, वो लेकर पाओ चम्मच के पहले में। चलो चम्मच लेके आते हैं पहले, इस तरह से भी खानी चाहिए। तो ये आगे चम्मच, तो अब इससे करते हैं ट्राई। नीचे तो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? डूड डेफ्ट वार खेल रहा है। डूड डेफ्ट वार गेम गेम गेम। लो भाई ये आ गया अपना चम्मच, इससे करेंगे ट्राई। रखे हुए अब बिल्कुल स्पंची हो गई, बढ़िया सी हो गई है। अब इसको कटे ट्राई एक बार फिर से। क्या बात है, एक नंबर। नीचे देखी खाकर, नीचे कैसे बन लगी तेरे को? अच्छी लगी। तो अब ऐसा करते हैं कि आजकल लोग यहाँ से करते हैं एंड। और वीडियो आपको देखने में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, और साथ में रखते वाले बेल आइकन को। और आपसे मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए।